बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज जो हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन करना है यूनिट नंबर टू का, वो है पेज नंबर 24 पे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने खुद ही लिखना है कि व्हाट इज़ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। ठीक है, क्वेश्चन आपने खुद ही लिखना है यहाँ पे ऊपर, और इसको बाद में आपने नोटबुक के ऊपर राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरमियान में डिफरेंस क्या है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है नंबर वन, अ प्लांट सेल हैज एन आउटर कवरिंग ऑफ अ रिजिड, रिजिड का मतलब होता है सख्त, रिजिड का मतलब होता है सख्त, नॉन लिविंग, गैर जानदार, इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी लिविंग थिंग नहीं पाई जाती। सेल वॉल, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, प्लांट्स की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल, और ये नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है, सख्त होती है, ये सेल की शेप को मेंटेन रखती है। ठीक है, एनिमल सेल के दरमियान में देखें, एन एनिमल सेल हैज़ नो सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल के अंदर किसी किस्म की सेल वॉल मौजूद नहीं होती। नंबर टू है, अ प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट टू मेक फूड, के प्लांट्स के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये जो ग्रीन आपको पिगमेंट्स नज़र आ रहे हैं इनको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा मटेरियल है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिससे पौधे अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो यहाँ पे बेशक आप लिख लें कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। नंबर टू पॉइंट है, एन एनिमल सेल लैक्स, लैक्स में नहीं रखते दिस ऑर्गन। ठीक है, ये वाला ऑर्गेनाइलिस जो है प्लांट्स के पास नहीं होता, ऑर्गेनाइलिस। नंबर थ्री, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन अ प्लांट, प्लांट्स के अंदर जो है वो सेंट्रोसोम नहीं होते, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स के जो है वो पेयर्स होते हैं। ये देखें, सेंट्रियोल्स के पेयर को बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, ये सेल की डिवीजन में हेल्पफुल होते हैं, सेल की डिवीजन में हेल्पफुल होते हैं। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन अ प्लांट्स एंड सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस टू हेल्प द सेल डिवीजन। ठीक है, जो कि सेल की डिवीजन में हेल्पफुल होते हैं। नंबर फोर है, वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन मोस्ट प्लांट्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा सा वैक्यूल आपको नज़र आ रहा होगा प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर कोई भी इतना बड़ा वैक्यूल नहीं पाया जाता, बल्कि छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इस वजह से ये भी एक मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे जो सेंटर में है वो वैक्यूल पाया जाता है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है और प्लांट्स को एक स्पेसिफिक शेप देता है, जबकि एनिमल सेल के जो सेंटर होता है वहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो प्लांट सेल होता है उसका न्यूक्लियस थोड़ा जो है वो साइड पे होता है। वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन मोस्ट प्लांट सेल, वैक्यूल्स आर एब्सेंट इफ प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे वैक्यूल्स फिर एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, अगर ये प्रेजेंट है तो दे आर स्मॉल साइज, ये स्मॉल साइज के होते हैं। नंबर फाइव है, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन अ साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे है था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ऑन अ साइड। ठीक है, ये देखें, साइड के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहाँ पे है द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर, यहाँ पे सेंटर में है। ये आपका फर्स्ट नो क्वेश्चन है, इसको आपने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर राइट कर लेना है। साथ में जिस पेज पे आप ये राइट करेंगे उसके ऑपोजिट साइड पे जो ब्लैंक पेज है वहाँ पे ये दोनों डायग्राम आपने ड्रॉ करने। ठीक है, इनको ऐसे ही एज इट इज़ ही आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बाहर वाले स्ट्रक्चर के बजाय ये वाले ड्रॉ करने के लिए आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर जो है ये सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ये न्यूक्लियस हैं, और ये उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है और प्लांट सेल के अंदर भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू जो है वो है आपका, अपनी बुक के ऊपर देखें पेज नंबर 34 पे है, डिस्क्राइब पार्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बनी हुई है नीचे, और इधर भी जो है वो डायग्राम ड्रॉ हुई है। ये आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखना है और इसके बाद आपने सिर्फ इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसके बारे में जो है एक्सप्लेन आपने नहीं करना। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपको मैंने पहले भी ये एक्सप्लेन किया, दोबारा से कर देती हूँ कि सबसे पहले ये इसका आईपीस होता है जिसके ज़रिए से हम कोई भी स्पेसिमन देखते हैं। स्पेसिमन एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको जो है वो बड़ा करके देखना होता है, उसको बोलते हैं स्पेसिमन। उसके बाद ये ग्लास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड के ऊपर वो हम स्पेसिमन रखते हैं। ग्लास स्लाइड को जिसके ऊपर रखा जाता है उसको स्टेज बोलते हैं। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको आरंभ बोलते हैं।
इसके जैसे हम एडजस्ट करते हैं आई पीस, और ये है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये मिरर है और ये इसके नीचे बेस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन अमीबा। तो अमीबा के बारे में भी आपने लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है और साथ में उसको लेबल करना है। लेबलिंग मस्ट है, लेबलिंग के बगैर कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ब्रीफली द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं? सर यहाँ पे देखिए, अपने बुक के पेज नंबर है आपका 31, बुक का पेज नंबर है 31, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं? आपके हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके आ जाते हैं हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, और इनका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, नंबर वन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, नंबर टू वेस्ट एंड डाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट द बॉडी, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सेल से लेके उसको बाहर रिमूव करते हैं और जो डाइजेस्टेड फूड होती है उसको बॉडी तक पहुंचाते हैं। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के अंदर पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये कंडक्ट करते हैं मैसेज थ्रू आउट द बॉडी फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी फंक्शन, ताकि डिफरेंट बॉडी फंक्शन जो है आपस में कोऑर्डिनेट रहें, हम आहंग रहें। जब आप ज़्यादा कोई हैवी वर्किंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको पता है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर थकावट होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये तमाम फंक्शन किसकी वजह से होते हैं? नर्वस सिस्टम की वजह से। तो आपने इसमें से सिर्फ ये दो जो हैं इनके फंक्शन लिखने हैं, और वो ये वाले हैं, छोटी छोटी लाइन है, कोई भी लेंथी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये जो है कंडक्ट मैसेज थ्रू आउट द बॉडी फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट बॉडी फंक्शन, ठीक है। मैं बुक से ही आपको करवा रही हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, राइट अबाउट द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। शूट सिस्टम, प्लांट्स के जो होते हैं टू सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। आपकी बुक के पेज नंबर 30 पे, पेज नंबर 30 पे लिखा हुआ है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। शूट सिस्टम फॉर्म द एरियल पोर्शन। एरियल पोर्शन होता है हवा के अंदर जो हिस्सा मौजूद है प्लांट। इट कंडक्ट्स ऑफ मेन स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर, ठीक है। इट कंटेन्स किस पे मुश्किल होता है? स्टेम, लीव, ब्रांचेस एंड फ्लावर। लीव्स मेक फूड, इसके बाद ये थर्ड सेकेंड लाइन जो है बाकी कट जाएगी। हेल्ड, उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड लाइन से, लीव्स मेक फूड एंड फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर जो हैं वो सीड्स और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ब्रांचेस स्प्रेड द लीव्स टू कैप्चर मैक्सिमम सनलाइट, ठीक है। जो ब्रांचेज हैं, शाखें होती हैं, वो फैल के क्या करती हैं? सनलाइट को कैप्चर करती हैं ताकि वो फूड बना सकें। तो आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग, वो आपने ये वाला ड्रॉ कर लेना है एक पेज पे, और साथ इसका ये आंसर लिखना है। बच्चों आज मैंने आपको जितने भी लॉन्ग बनते थे वो करवा दिए, इसमें से कोई भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो आपने जो आज की वर्किंग जो याद करनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल के अंदर है, जो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन करवाया। उसके बाद ये डायग्राम है, वो आपने जो है वो कल फ्राइडे तक जो है कंप्लीट करके नोटबुक चेक करवा लेनी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।